अमृतसर के पास पंजाब के जंडियाला गुरु शहर में जन्मे और उनके रूढ़िवादी सिख परिवार द्वारा गोपाल बेदी नाम रखने वाले रणजीत ने कभी फिल्मों में आने के लिए सोचा भी नहीं था। उनका कहना है कि जब मैं छोटा था तो रोजाना कम से कम 6 घंटे फुटबॉल खेला करता था। मैं गोलकीपर हुआ करता था और हर कोई मुझे गोली कहता था। तब से वह नाम मेरे साथ बना हुआ है। मुझे भारतीय वायुसेना के लिए भी चुना गया था, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान मुझे इसे छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करने वाले रणजीत 1966-67 में फिल्म सावन भादो में रेखा के भाई की भूमिका निभाकर फिल्म उद्योग में आए। उन्हें स्क्रीन नाम रणजीत सुपरस्टार सुनील दत्त द्वारा दिया गया था, जिनके साथ उन्होंने 1968 में रेशमा और शेरा फिल्म की थी। उन्होंने शशि कपूर और राखी के साथ अपनी तीसरी फिल्म शर्मिली से खलनायक भूमिकाएं करना शुरू कर दिया था। नकारात्मक भूमिकाओं में सफलता पूर्वक अपनी पहचान बनाने वाले रणजीत का कहना है कि उन्होंने खलनायक और बलात्कारी की अपनी छवि के साथ जीना सीख लिया है। उनका कहना है कि मेरा परिवार जो बहुत रूढ़िवादी था, जब उन्हें इस बात का पता चला कि मैंने फिल्म में यानी कि शर्मीली फिल्म में नायिका के साथ बलात्कार किया है, तो उन्होंने मुझ पर दोषारोपण किया और मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। कुछ समय के लिए मुझे फिल्म में साइन करनी बंद करनी पड़ी। मुझे परिवार को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूँ। रंजीत ने यह बात याद की। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी भी बहुत ही शर्मीला व्यक्ति हूँ। मैं शाकाहारी हूँ और बहुत कम शराब पीता हूँ। रंजीत को लगता है कि केएन जैसे प्रतिष्ठित खलनायकों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। सिंह, प्राण, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर अब खत्म हो गए हैं। तो ये रंजीत है जिनका आज जन्मदिन है। उन्हें हमारे चैनल की ओर से उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं हम। रंजीत एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी छवि खलनायक की तो रही है, क्योंकि वो फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते रहे, लेकिन उन्हें एक अच्छे अभिनेता के रूप में हमेशा याद किया जाता है। एक अनुभवी अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने अभिनय से, अपने द्वारा अभिनीत सभी फिल्मों में एक गहरी छाप छोड़ी थी, जिसमें विक्टोरिया नंबर 203 एक मुख्य फिल्म रही है। और भी उन्होंने शर्मीली में जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका बहुत सुंदर निभाई। इसके साथ रेशमा और शेरा में भी उन्होंने जो खलनायक की भूमिका निभाई वो स्मरणीय है। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।